तो प्यारे मित्रों और दोस्तों, गाइज और प्यारे भैया और बहनों, तो आप तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। और बात यह है कि जब धीरे धीरे चलोगे और एकदम से चलोगे, उसमें बहुत फर्क है। तो आप चलते रहो, रुको मत, निरंतर, ठीक है, निरंतर तो चलना ही पड़ेगा। तो अपन पढ़ रहे थे समास, और उसमें पढ़ेंगे आज बहुव्रीहि समास, यानी कि बहुत सारे, यानी कि क्या होगा इसमें जो सामासिक, जैसा कि मान लो बहुव्रीहि के बाद बताते हैं कि बहुव्रीहि का होता है चावल, यानी कि अधिक मात्रा में या बहुत सारे चावल होते हैं। क्या होते हैं चावल? और एक अन्य पद प्रधान होता है इसके अंदर, अन्य पद प्रधान या अधिक मात्रा में या बहुत सारे चावल होते हैं। जिस सामासिक पद का विग्रह करने पर रूढ़ या तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुव्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुव्रीहि, यानी कि जिस सामासिक पद का विग्रह करने पर किसी रूढ़ या तीसरे अर्थ का बोध होता है, वह बहुव्रीहि समास होता है। दोस्तों देखो, एक दंत, यानी कि एक दंत, एक दांत है जिसके या जिनके, गणेश जी, है ना। तो क्या हो रहा इसमें? बोध हो रहा ना तीसरे अर्थ का, किसका हो रहा? एक दंत है जिनके, अब कौन के? एक दंत है जिनके, किन के? गणेश जी के। तीसरा अर्थ बोध हो ही रहा, तो उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास, ठीक है। दो बार जन्म लेता है जो, अब देखो इसमें ब्राह्मण भी लेता है दो बार जन्म, कहते हैं कि ब्राह्मण भी लेता है, पक्षी भी दो बार लेता है, बताइए। दांत तो लेता ही है, आपको याद है, और चंद्रमा भी लेता ही है, उगता है जब, है ना। तो दो बार द्वीप, दो बार पानी पीता है जो, यानी कि दो बार कौन पी रहा पानी? हाथी। तीसरे अर्थ का बोध हो रहा है। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिनके शिव, कितने नेत्र? त्रिनेत्र। तो इसमें बहुव्रीहि भी आ सकता है और क्रमधारय भी आ सकता है ना। आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होता है जो शिव, कौन प्रसन्न हो रहा? जल्दी शीघ्र कौन प्रसन्न हो रहा? शिव जी। भोलेनाथ जी, भोलेनाथ है जो, कौन है भोलेनाथ? शिव जी, है ना। भोलेनाथ है जो गंगा को धारण करता है जो, कौन करता है गंगा को धारण? वही है, मृत्यु को जय करता है जो। नीला है जो कंठ जिनका, है ना, किसका नीला कंठ है? महादेव जी का। काल को जीता है जिसने महाकाल, कौन है? महादेव जी। तो ये है, चंद्रमा में चूड़ पर है जिसके, चंद्रचूड़। देखो चंद्रमा में चूड़ पर है जिसके, देखो चोटी के अंदर चंद्रमा किसके हैं? शंकर भगवान के, है ना। तो चंद्रचूड़, चंद्रमा के शिखर पर है जिसके, चंद्रशेखर। गुडराले बाल है जिसके, कौन है? शिव। आगे पढ़ते हैं, चतुर्भुज, चार भुजा हैं जिनके, विष्णु। चतुरानन, चार आनन है जिनके, चार मुख किसके हैं? चतुरानन। ब्रह्मा, पंचानन, पांच आनन हैं जिनके, शिव या शेर। पांच आनन किसके हैं? शिव जी के भी है और शेर के भी है। छह आनन हैं जिनके, कार्तिकेय, जिसके छह मुख हो, वो कौन है? कार्तिकेय। षडानन, दशानन, षड यानी होता है छह, है ना, षठ। षडानन, दस आनन हैं जिनके, रावण। मद उदय हैं जिनका, रावण की पत्नी मंदोदरी। मद उदय हैं जिनका, कौन है? मंदोदरी। सुर्पनखा, सुर्पनखा है जिनकी, रावण की बहन। सुर्पनखा है जिनकी, किसकी? रावण की बहन। तो आगे बढ़ते हैं, तीसरे अर्थ का बोध हो ही रहा इसमें। मेघनाथ, मेघ के समान है जिसकी, रावण का पुत्र, ध्यान रखना। किसके समान है? मेघ के समान, कौन है? रावण का पुत्र। मेघों का स्वामी है जो, कौन है? इंद्र। कैलाशपति, नाथपति, नाक या पति, इंद्र। शूलपाणि, शूल है पानी है जिनके, शिव। वज्रपाणि, वज्र है पानी में जिनके, इंद्र। चक्र है पानी जिनके, विष्णु। दंड है पानी में जिनके, यमराज। वीणा में है जिनके पानी, सरस्वती। किनके हैं वीणा में? सरस्वती। कामदेव, मनोहर, मन को हरता है जो, कौन हरता है मन को? मनोहरन। पुष्प धनवा, पुष्प का धनुष है जिनके, पंचसर। पांच सर हैं जिनके बाण, पंचसर। पुष्प धनवा, मनोहर, कामदेव। तो ये कितने? कृष्ण, वासुदेव, वासुदेव की संतान है जो। मुरारी, मुर के समान। माधव, मधु का वध करता है जो। कृष्ण, वासुदेव, मुरारी, माधव, पंचसर, पुष्प धनवा, मनोहर, कामदेव, इनमें सभी में किसका समास है? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। शाकामृग, कौन है शाकामृग? शाका पर
बंदर, बारह सिंगा, बारह है जिसके सिंह, कौन है, बार सिंगा होती है ना, हिरण है, हैदराबाद, हैदर है जो आबाद है, पंजाब, पांच आबों का समूह, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष जानवर में, पशु पक्षियों में बहुव्रीहि समास माना जाएगा, विशेष व्यक्ति, कौन विशेष व्यक्ति है, स्थान है और विशेष जानवर है, या पशु पक्षियों में क्या किसका समास बहुव्रीहि समास माना जाता है दोस्तों, स्थान, व्यक्ति, जानवर, पशु पक्षियों में बहुव्रीहि समास माना जाता है। तो ध्यान रखना बहुव्रीहि समास हो गया आपने और समास कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में पूरी प्लेलिस्ट में डाल देंगे इसको और अच्छे से पूरे समास देखो आप और ध्यान से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, इसी वीडियो को 20-25-100 बार देखो ना, भले पढ़ते रहो और लिख लेना। तो यही है शॉर्ट ट्रिक नियम, इसके नियम मेन है और एग्जाम्पल तो आप देख भी सकते हो और भी, ठीक है दोस्तों, और मेहनत करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। और ऐसे प्यार बनाए रखो, लाइक एंड शेयर ज़रूर करो और आपके मित्रों को ज़रूर शेयर करो इस वीडियो को पूरी को, है ना, सभी को शेयर करो, मित्रों के मित्रों को बताओ, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, बहनों।